से देखा है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना मुझसे। मेरी गलती की कीमत मेरी बेटी से वसूलना चाहती हो ना तुम? तुम और तुम्हारी माँ, नैना से उसका पति कोई नहीं छीन सकता सामने। थप्पड़ ये इसलिए मारा क्योंकि एज वी सीन सो फार कि मैं करण का घर पर बात करने आई हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रही हो उससे चिपकने की और कुछ ज़्यादा ही जो है साजिशें कर रही हूँ, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रही हूँ कि वो मेरे पास आए, मुझसे बात करे, मेरे साथ रहे। तो वो सब जो है निर्मला देख लेती है एंड देन आफ्टर अ पॉइंट शी सेज कि बस बहुत हो गया, तो थप्पड़ मार के वांट करती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। और थप्पड़ के बाद भी जब आप जाती हैं तो भी कुछ ड्रामा क्रिएट होता है, बहुत ड्रामा है। क्या है, निर्मला को तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, बट सावरी बींग सावरी कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेगी, तो मैं जाके अपना सारा गुस्सा निकालती हूँ अपनी माँ पे और मैं उसको ऑलमोस्ट मारने वाली हूँ और संध्या मुझे रोक लेती है। इट्स बिग ड्रामा। उसके बाद संध्या को हग भी करती हैं आप, सो वो क्या वो ऐसा सीन इसमें ऐसा है कि मैं फुल गुस्से में लाल और सब वायलेंट हो रही हूँ एंड इंस्टेड ऑफ पुष्पा इट्स संध्या हु काम्स मी डाउन एंड टेल्स मी कि नहीं नहीं जो हो गया वो हो जाने दो, हम एक नया षड्यंत्र रचाएंगे, एक नई प्लानिंग करेंगे। तो उस बात से मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उसका बदला मेरी माँ तो ले नहीं रही है, संध्या कर रही थी, मैं उस खुशी में उसको हग करके किस करती हूँ। हाँ अच्छा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है करण और नैना को अलग कर पाएंगी आप? अभी तक तो मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, ये पूरा खानदान पीछे पड़ा हुआ है दोनों को साथ में रखने के और वो खुद ही एक दूसरे में इतना गुस्से रहते हैं कि मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा कहाँ बीच में रहूँ। संध्या के साथ एक नया प्लान बनाने की, प्लान्स तो मैं बनाती रहूँगी। थैंक यू।